जय माता दी, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस ये ब्लॉग बहुत संदान होने वाला है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं माता जी का दर्शन करने बहुत दूर। तो हम लोग सुबह निकलेंगे और जाएंगे। मेरे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहे, मैं ये भी बताऊंगा कैसे जाना है, कैसे पहुंचना है, कहाँ पे रुकना है और कहाँ पे खाना है, और क्योंकि आप लोग भी घूम सके मेरे ब्लॉग के कारण। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में लास्ट तक। और मेरे साथ मेरा एक दोस्त है और एक फूफा जी और एक फूफा जी का भाई है, और हम लोग जाने वाले हैं थावे मंदिर। ये दुर्गा जी का प्रसिद्ध मंदिर है, बिहार का, मेरे को लग रहा है बिहार का फेमस मंदिर है थावे मंदिर। तो हम जाएंगे थावे मंदिर। जो कोई भी घूम चुका हो एक बार कमेंट में जरूर बताएं, और कौन कौन नहीं घूमा है ये भी बताएं एक बार, तो मेरे ब्लॉग के कारण वो घूम सकता है। और गाइस बिहार में बहुत ज़्यादा ठंड गिर रही है, तो कृपया ठंड से भी बचे तब कहीं पे घूमने जाए। देख सकते हैं आप कितने ज़्यादा कुहा गिरा है यहाँ पे। और गाइस हम लोग कोपा समोता नज़दीकी स्टेशन पे आ चुके हैं। मेरे साथ मेरा फूफा जी है और दोस्त है, आप लोग देख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा ठंडी, आप ये भी देखिए। थावे के लिए हम काउंटर पर से टिकट ले लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे मेरी ट्रेन आ चुकी है, हम लोग जाएंगे थावे जंक्शन। यहाँ से पकड़ेंगे कोपा समोता से ट्रेन और जाएंगे इधर थावे जंक्शन। और ये है थावे जंक्शन, माता जी का नगरी। देख सकते हैं बाहर हर माता जी का पोस्टर लगा है। तो गाइस हम लोग थावे जंक्शन पे आ चुके हैं, अब यहाँ से हम लोग मंदिर की तरफ जाएंगे। और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी ट्रेन में, तो आप भी कहीं पे निकले घूमने के लिए तो धोखे धोखे पहन के निकले। अगर आप लोग थावे घूमने के लिए आते हैं दो तीन दिन के लिए, तो देख सकते हैं ये है होटल, गौरी शंकर होटल है ये, आप यहाँ पे आके रुक सकते हैं। और गाइस यही है थावे मंदिर, जो दुर्गा जी का मंदिर है। और ये मंदिर जंगलों के बीच में मंदिर है। इस मंदिर के आइड साइड पूरा जंगल है, आप यहाँ पे जंगल घूमिएगा तो बहुत अच्छा इसका जंगल का व्यू लगेगा। उसके बाद हम लोग पूजा करने के लिए दुकान पर से प्रसाद ले लेते हैं। और गाइस हम लोग प्रसाद ले चुके हैं, अब जाएंगे मंदिर के अंदर पूजा करेंगे और आप सभी को पूरा वीडियो दिखाएंगे। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में लास्ट। और ये पंडित जी हमारा पूजा करवाएंगे। और यही माँ दुर्गा जी का मंदिर है, और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं माँ का दर्शन करने के लिए। हम लोग छाये मंदिर आए थे पूजा करने के लिए, पर यहाँ पे पंडित जी जो है वो बोले पहले लेक दो उसके बाद पूजा हो। पर मेरे को ये सिस्टम अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं यूपी में गया था, जितना भी मंदिर घूमा वहाँ पे कोई भी नेक नहीं लगा। ये मंदिर गोपालगंज के प्रसिद्ध थावे मंदिर है, और ये मंदिर दो तरफ से जंगलों से घेरा हुआ है। और गाइस यहाँ पे रियलिटी में दुर्गा माँ आई थी कुछ साल पहले। तो गाइस हम पूरा अंदर का सीन आप सभी को दिखा चुके हैं, और अंदर मोबाइल अलाउ नहीं था इसलिए आप सभी को माता जी का दर्शन नहीं करा पाए। और मेरे को एक चीज़ पसंद नहीं आया, वो हर चीज़ पर लेकर ले रहे थे पंडित जी, ये सिस्टम मेरे को अच्छा नहीं लगा। पर मैं पंडित जी का दोष नहीं दूंगा, ये नियम बना होगा शायद ये, पर मेरे को मालूम नहीं है, पर ये सिस्टम मेरे को अच्छा नहीं लगा। और जो मेरे भाई ब्लॉग में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दे, और कमेंट में ज़रूर बताइए ब्लॉग कैसा है।
उसके बाद हम लोग आ जाते हैं होटल में खाने। हम लोग को बहुत जोर से भूख लग गया था तो आ जाते हैं होटल में खाना खाने के लिए। और गाइस थाए मंदिर का ये पिरुकिया प्रसाद बहुत ज़्यादा फेमस है। तो गाइस हम लोग थावे घूम चुके हैं। अगर आप लोगों को भी थावे घूमना हो तो नज़दीकी स्टेशन से आप लोग आ सकते हैं थावे। और ये बिहार के लिए ब्लॉग, बिहार में आप कहीं से भी हो आप थावे आ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।